हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ GTA 5। तो आज हम GTA 5 में एक और मिशन करने वाले हैं। तो चलो पहले अपनी सुपर डुपर कार में बैठ के अपने मिशन लेने जाते हैं जहां पर हमें ये मिशन मिलने वाला है। ओके, तो अभी ना हम आके पहुंच चुके हैं फ्रैंकलिन के बॉस के पास, जो अभी उसे मिशन देने वाला है। तो अभी हम गाड़ी, अरे यहाँ से तो गेट बंद है, हम पीछे से आ गए, हमें आगे से आना था। ओके, तो अभी ना हमें मिशन मिल चुका है। किसी लड़के ने फ्रैंकलिन के बॉस से एक SUV कार खरीदी थी और वो अभी उसका पेमेंट नहीं दे रहा है। तो अभी ना हमें बस उससे वो SUV कार वापस लानी है। तो अभी हम अपनी लोकेशन पर जा रहे हैं, उस पीले लाइन को फॉलो करते हुए हम अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। अरे फोन आ रहा है, देखते हैं किसका फोन है। Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. ओके, तो अभी ना हम आके पहुंच चुके हैं। उसका घर यहीं पर कहीं पर होना चाहिए। ओ, लगता है ये रहा। क्या हम इस गेट से नहीं जा सकते? अरे हम तो गाड़ी चुराने आए हैं ना, तो हमारे लिए थोड़ी ना कोई गेट खोलेगा। तो हमें वहां से जाना है, वो जो पीला डॉट है ना, वहां पर जाना है हमें। तो हमें यहाँ से जाना होगा शायद। तो हमें रास्ता ढूंढना होगा अंदर जाने के लिए। इस गेट के ऊपर से हम जा सकते हैं ना। ओके, तो अभी उस गार्ड को हमें डाउन करना होगा ताकि उसको पता ना चल जाए। चलो हम अपनी पोजीशन में चलते हैं धीरे धीरे और उसके गर्दन पे मारते हैं और वो बेहोश हो जाएगा। ओके, तो ये वाला गार्ड हो गया है डन, और कोई है नहीं ना। तो चलो हम अपनी गैराज खोलते हैं। अरे ये तो लॉक्ड है। तो अभी हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ऊपर से जा सकते हैं क्या वहाँ से? अगर मैं नहीं, शायद नहीं जा सकते वहाँ से हम। चलो हम इस मेन दरवाजे को खोल सकते हैं क्या, देखते हैं। नहीं, ये वाला भी लॉक्ड है, हमें कहीं और से ही जाना होगा। शायद हम घर के पीछे से जा सकते हैं, है ना। चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं उस गाड़ी के पास, देखते हैं वहाँ से कोई रास्ता है क्या। वो लड़की कौन है भाई, ऐसे ही घूम रही है यार यहाँ से। खैर हमें उस ट्रक के ऊपर से होके जाना होगा। ओके, तो घर पे शायद लड़ाई हो रही है। अरे बाप रे, बहुत यहाँ पर तो अपने भाई बहन के साथ शायद लड़ाई हो रही है। वो कौन है? No one creeps on the J-Dogman. Dead, you fucking idiot. चलो अब चुपके चुपके चलते हैं हम। ये तो गेम खेल रहा है भाई। I don't care if you're 12. I'll still rape you. ये शायद उस वाले बंदे का लड़का होगा जो यहाँ पर गेम खेल रहा है। बहुत ही मस्त गेम खेल रहा है यहाँ पर। खैर और हम आगे चलते हैं अभी। Get off my face. यहाँ पर उसकी लड़की है, उसकी बेटी है यहाँ पर। वो शायद किसी के साथ बात कर रही है अभी। तो यहाँ पर उनकी फैमिली फोटोज है, वो रहा उसका लड़का, उसकी वाइफ और उसकी बेटी है वहाँ पर। खैर अभी हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के हम अपनी कार ढूंढेंगे। तो यहाँ से, अरे गाड़ी कहाँ पर है भाई? ओके, तो यहाँ पर कोई है, वहाँ पर दो लोग हैं। हमें उनसे कोई काम नहीं है, बस हमें अपनी गाड़ी ढूंढनी है और यहाँ से चुपचाप निकल जाना है। तो इस तरफ होगा शायद अपनी गाड़ी। वो लोग शायद गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और वो रहा हमारी गाड़ी, हमें मिल चुकी है। तो चलो इसे लेते हैं। अरे इसका गेट खुलेगा क्या? हाँ खुल गया। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। ये लड़की यहाँ पर फिर से घूम रही है। खैर इसको छोड़ते हैं और अपनी गाड़ी निक के अपने बॉस के पास जाते हैं अब। अरे बाप रे बाप, फोन देखने के चक्कर में तो गाड़ी की ऐसी की तैसी हो गई।
If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. अरे ये क्या हो रहा है हाँ? अरे गाड़ी के अंदर तो कोई है। That's a 9mm semi-automatic. Pushed against. क्या ये माइकल है? हाँ ये माइकल ही है। ये तब से हमारा ही इंतजार कर रहा था गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठ के। Unlikely. Considering my son just don't draw attention. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. ओके तो माइकल अभी हमें गाड़ी लेने के लिए किसने भेजा उसका इन्फॉर्मेशन निकल रहा है तो शायद अभी माइकल उसको शायद पकड़ के मारेगा ड्राइव इनटू इट राइट थ्रू द फकिंग विंडो एंड फास्ट आई पुट टू राउंड्स इन द बैक ऑफ योर स्कल माइकल हमें अभी बता रहा है कि इस वाली कार को फुल स्पीड में उस कार के शोरूम के अंदर लेके जाना है तो चलो फिर हम वैसा ही कर देते हैं और ये हम आए इसकी तो अभी शायद दिमाग घूम गया होगा ये सब देख के मिस्टर सैमियल इट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स आई वाज ट्रंप बिग फॉर जॉब वेल डन फ्रैंकलिन को अभी पैसा मिल चुका है तो फ्रैंकलिन का काम यहीं पर खत्म होता है अभी तो चलो हम अभी इस गंजे को कूदते हैं तेरे को लगता है तो माइकल से गाड़ी छुड़ा पाएगा हाँ ले बेटे ले अभी मजा ले अभी बस ये भी ले अरे तूने माइकल को मारा तेरी तो ऐसी की तैसी हो गई अभी You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist. Ooh, ये वाला मस्त पड़ा है हां. This thing's gonna need some serious body work for it's worth 5 grand a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. खैर अभी हम इसे छोड़ते हैं, नहीं तो ये मर जाएगा और ऐसे ही माइकल के ऊपर एक पुलिस केस बन जाएगा। तो अभी हमें माइकल का कैरेक्टर भी मिल चुका है एक्चुअली हुआ यू कि ना माइकल के बेटे ने उस पीली कार को खरीदा था और उसका पेमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा था वो तो इसीलिए अभी खुद माइकल आके उसे कूट दिया और आज के लिए बस इतना ही आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा तो फिर मिलेंगे अगली गेम प्ले में तब तक के लिए बाय बाय